हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आरएसवी टेक इन्फो यूट्यूब चैनल में मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेबीटी कमीशन के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी जीके पार्ट के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ सेक्शंस के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपको लगे कि हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग हैं या उनका कुछ और आंसर हो सकता है तो प्लीज़ वीडियो में जरूर कमेंट करें। और फ्रेंड्स, यदि आप इसकी सॉल्व पीडीएफ फाइल चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है, आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करें और आप इमीडिएट उन ग्रुप्स के साथ जुड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एचपीजेबीटी कमीशन में पूछे गए थे मैथ सेक्शन में। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो राइट आंसर था ए ऑप्शन 33 था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था द एचसीएफ ऑफ 595 एंड 252 इज, इसका राइट आंसर था 7 यानी कि बी ऑप्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था 3.14 into 10 raised to power 6 is equal to what? Friends, इसका जो राइट आंसर था वो सी ऑप्शन था यानी कि 31,40,000 यानी कि सी ऑप्शन। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट ऑप्शन था क्वेश्चन था वो था 171/19 × 9 is equal to what? इसका जो राइट आंसर था वो था ए ऑप्शन यानी कि 171/19 × 9 = 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर था यानी कि क्वेश्चन पूछा गया था 171/61 = what। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स नहीं निकला है इसका आंसर, तो इसका हम एज्यूम कर रहे हैं डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 100 इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो वी ऑप्शन है यानी कि 50। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 42 एंड देयर प्रोडक्ट इज 437 देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज व्हाट, इसका जो राइट आंसर है वो है 4 यानी कि बी ऑप्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था हितेश इज 40 ईयर ओल्ड एंड रॉनी इज 60 ईयर ओल्ड, हाउ मेनी ईयर एगो वाज द रेशो ऑफ देयर एज इज 3:5 व्हाट, इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन यानी कि 10 वर्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था 8^2/3 इज इक्वल टू व्हाट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वी ऑप्शन यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट परसेंटेज इज 3% ऑफ 5%, इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन 0.15%। फ्रेंड्स, यदि आप इसकी पीडीएफ फाइल यानी कि सॉल्व पीडीएफ फाइल चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, और आप हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हो यदि आपको लगता है कि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन रॉन्ग हैं या उनका कोई आंसर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो है एक कुर्सी को 572 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है तो कुर्सी की लागत कीमत क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन यानी कि 440 रुपीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ ए रेशो वी इज इक्वल टू 2:3 एंड वी रेशो सी इज इक्वल टू 4:5 एंड देन सी रेशो इज 1 इज इक्वल टू व्हाट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन यानी कि 50:8। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 5 स्पाइडर 5 मिनट में 5 मक्खियां पकड़ते हैं तो 100 स्पाइडर 100 मिनट में कितनी मक्खियां पकड़ेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन यानी कि 2000 मक्खियां। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इफ 5 मैन और 9 वुमेन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज देन 3 मैन एंड 6 वुमेन विल डू द सेम वर्क इन व्हाट डेज, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है डी यानी कि 15 डेज।
फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो एक्चुअल में निकल नहीं रहा था, बट हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से 15 डेज ही आ रहा है। तो यदि आपको लगता है इसका आंसर कुछ और है तो आप जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ये मैन कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर्स एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर्स, हिज एवरेज स्पीड इज व्हाट? फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन 4 किलोमीटर पर आवर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स इज सम विल बी थ्राइस इट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम? तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स बी ऑप्शन रहेगा, 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 6% देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय व्हाट? इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, 12.36%। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, 384 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द कंप्लीमेंट ऑफ 62 डिग्री इज व्हाट? इसका राइट आंसर रहेगा 90 माइनस 62 इज इक्वल टू 28 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज व्हाट? तो इसका जो राइट आंसर था वो है सी ऑप्शन, यानी कि 1। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो में जरूर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। फ्रेंड्स, यदि आप इस तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल यानी कि आरएसबी टेक को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें। और फ्रेंड्स, हमने आप सभी की सुविधा के लिए एचपी टैट एंड कमीशन से रिलेटेड एक ग्रुप, सेपरेट ग्रुप बनाया है। आप उस ग्रुप के साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ अपना नॉलेज भी शेयर करिए और हम भी कोशिश करेंगे कि हम अपना नॉलेज आप सबके साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप सिंपली उन लिंक के साथ क्लिक करके हमारे दोनों ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हो। फ्रेंड्स, आप जरूर कमेंट करें यदि आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत रहेगी तो। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।